भारी वर्खा के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर थले सरसा जिला भर के किसान अज सरसा मिनी सकत्तर एकत्रित हुए। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई भारी वर्खा के नाल खराब हुई फसलों का मुआवजा और इस दे नाल नाल होर भी वख-वख मंगां नू लेके किसानों ने तहसीलदार गुरदेव सिंह नू मुख्यमंत्री दे नाम ज्ञापन सौंपया। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों दी मंगां नू पूरियां करे, नहीं तो अंदोलन नू होर तिखा किया जाएगा। इस मौके ते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स भी वड्डे पद्धर ते तैनात है। पिछले एक साल से लगातार तीन काले कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। वहीं जहां राज हमसे रूठा हुआ है वहां राम ने भी रूठने का काम किया कि अभी जो पीछे बारिशें हुई पूरे हरियाणा के अंदर तो खरीफ की फसल लगभग 70% से लेकर 100% तक नष्ट हो गई। तो किसान आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। जो नरमे की फसल जिसके ऊपर की लगभग 35,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है, चाहे वो गवार की हो चाहे मूंगफली की, बिल्कुल पकी पकाई जो बहुत शानदार फसलें थी वो फसलें पूरी तरह से किसानों के खेतों से नष्ट हो गई। उसको लेकर आज अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जिले के किसानों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा है कि आप हमारी फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर किसान को प्रति एकड़ 40,000 रुपया मुआवजा दें। दूसरी बात, किसान के साथ साथ खेतिहर मजदूर हमारा साथी है। जिसके ज़मीन नहीं होती उसकी सारी कमाई निर्भर होती है साल में दो समय, जब वो फसल कटाई और फसल चुगाई से उसका परिवार चलता है। जब किसान की फसल खत्म हो गई तो निश्चित तौर पर उस खेतिहर मजदूर के पास भी कमाने के लिए साल में कुछ नहीं बचा। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि प्रत्येक खेतिहर मजदूर परिवार को 50,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसी प्रकार पिछले साल आप सभी को याद होगा यहाँ 42 दिन आंदोलन चल के हमने स्पेशल गिरदावरी खरीफ भी 2020 की फसलों की कराई थी, जिसका बीमा क्लेम तो रिलीज हो गया लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला है। तो सरकार वो मुआवजा 70% के हिसाब से 8,500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा जल्द रिलीज करने का काम करे। इसी प्रकार सरकार या दिल्ली या जो और स्टेट्स हैं वो पूरे साल कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन जैसे ही धान की कटाई का सीज़न आता है कहते हैं पोल्यूशन हो गया, पराली ने मार दिया, पंजाब हरियाणा के किसानों ने पराली जला दी। तो इसमें कमी किसानों की नहीं है, 2014 से कानून पास है, आप पिछले 7 सालों में पराली प्रबंधन का कोई उचित प्रबंध नहीं कर पाए। तो इसके लिए जब तक सरकार पराली प्रबंधन का उचित प्रबंध नहीं करे तब तक किसानों के ऊपर ना मुकदमे दर्ज किए जाएँ। और जो सरकार हरियाणा सरकार झूठी घोषणा करती है कि इस बार पराली से ईंटे बनाएंगे, किसानों के खाते में 3,000 रुपये प्रति एकड़ आएगा, ना तो मेरी फसल मेरा पानी मेरी फसल का पैसा आज तक किसान के खाते में आया ना पराली का पैसा आया। तो किसानों को तंग ना किया जाए, किसान एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हरियाणा सरकार यदि अपने आप को वाकई किसान हितैषी कहती है तो इस हालात के अंदर जबकि हरियाणा के किसान की लगभग सारी फसल नष्ट हो चुकी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री से बड़ी जिद करते हैं हमने अपने किसानों को इतना दिया उतना दिया, किसानों के लिए कोई राजनीतिक पार्टी आज तक फायदेमंद रही नहीं रही। यदि मुख्यमंत्री वाकई किसान हितैषी है तो वो तुरंत फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी करें और स्पेशल गिरदावरी के हिसाब से किसान जो ऐसे हालात में है कि आज बच्चों के स्कूल में एडमिशन हुए हैं उनकी फ़ीस देने को उसके पास पैसा नहीं है, आने वाले त्यौहार है, बच्चों की शादी है, क्योंकि पूरी फसल जो उसने लगातार 6 महीने से मेहनत करके पकाई थी वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यदि सरकार को हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यदि 10 दिन के अंदर अंदर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी नहीं कराई तो सरसा की भूमि हमेशा क्रांति भूमि के नाम से मशहूर है। हमने सरकार से जितने भी आंदोलन लड़े, चाहे बीमा के लड़े, चाहे मुआवजा के, चाहे नहरी पानी के लड़े, चाहे बीज के लड़े, हर एक के अंदर हम जीत कर उठे हैं। तो यदि 10 दिन के अंदर हमारी मांगें नहीं मानी गई, फसलों की स्पेशल गिरदावरी नहीं कराई गई तो यही सरसा का जिला मुख्यालय होगा, यहाँ पर सरसा जिला के हज़ारों किसान पक्का मोर्चा लगाकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और उसके दौरान यदि कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार होगी।